महाराष्ट्र में नामांकन भरने में भले ही अब 3 दिन ही रह गए हों, लेकिन सियासी तस्वीर साफ होती नहीं दिख रही है। न तो कांग्रेस एनसीपी सीटों का बंटवारा करने में कामयाब हो रही है और न ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर चल रही रार दूर करते दिख पा रही है। सीट बंटवारे को लेकर पिछले एक पखवाड़े से चल रहे गतिरोध की वजह से बीजेपी शिवसेना की अगुवाई वाले गठबंधन में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। महायुति में शामिल राजू सेट्टी की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, महादेव जानकर के राष्ट्रीय समाज पक्ष और विनायक मेटे की शिव संग्राम पार्टी ने महायुति छोड़ने की धमकी दे दी है। हालांकि अब भी बातचीत का दौर जारी है। चारों पार्टियों के नेताओं की उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद फिर से नए फार्मूले पर बात हो रही है, जिसमें शिवसेना को 150, बीजेपी को 120 और बाकी चार दलों को 18 सीटों का प्रस्ताव है। महायुति के साथ रहने का निर्णय मेरी पार्टी ने लिया है, लेकिन अभी ये 3 पार्टनर तो नाराज है। अभी उनको बाहर जाने के बगैर कोई दूसरा अल्टरनेटिव तो नहीं था, क्योंकि जगह ही नहीं है। मेरा प्रस्ताव इस शिवसेना बीजेपी के सामने अभी ये है कि अगर 7 ही सीटें आप छोड़ रहे हैं तो वो 7 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। घटक दलों के नेताओं की बैठक आपकी संपन्न हुई, खत्म हुई, उसमें कुछ नया फॉर्मूला तय हो गया है और उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ बात करने के बाद वो प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। दरअसल मंगलवार को एक फार्मूला आया जिसमें शिवसेना 151, बीजेपी 130 और सहयोगी दलों के 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव था। ये फार्मूला छोटे दलों को नहीं भाया। कल देर रात हुई बैठक में छोटे दलों ने इस पर आपत्ति जता दी। संकट बढ़ने के बाद बीजेपी शिवसेना इन पार्टियों को मनाने की कोशिश कर रही है। खासकर बीजेपी ने कहा कि वो इन पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ेगी। हम किसी भी सूरत में इन साथियों को छोड़कर के दूसरा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारे विश्वस्त साथी हैं और इसी क्रम में शिवसेना से हमारी बातचीत हो रही है कि हम कतई अपने सहयोगियों को, चाहे उनकी ताकत क्यों ना कम हो आज दिख रही हो, कल के हमारे मजबूत साथी हैं, उनको छोड़ करके हम किसी समझौते की बात नहीं कर सकते। जो महायुति में अलग अलग हमारे मित्र हैं, लोकसभा के समय हमारे ऊपर विश्वास रखकर ये सारे मित्र हमारे साथ आए हैं और इसलिए हमारा ये मानना है कि इन मित्रों का ध्यान रखना ये हमारा काम है। उनको साथ में लेकर ही हम ये अलायंस करेंगे और उसी के बारे में सारे प्रयत्न हमारे सबके चल रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और एनसीपी में रस्सा कशी अब भी जारी है। बुधवार सुबह भी एनसीपी नेता अजीत पवार के घर पर एक बैठक हुई। कल भी दोनों पार्टियां अपने मतभेदों को दूर करने में नाकाम रही थी। कांग्रेस जहां एनसीपी को 124 सीट देने के प्रस्ताव पर अड़ी है, वहीं एनसीपी 288 सीटों में से आधी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि दोनों दल यही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है। कांग्रेस को इंटरेस्ट है और कल की मीटिंग पोस्टपोन हुई थी, आज शाम तक मीटिंग होगी और डिक्लेरेशन भी होगा। हम लोगों ने कांग्रेस से कह रखा है कि अगर कांग्रेस का रिस्पॉन्स आ गया तो बिल्कुल हो जाएगा मामला, वरना दुख की बात यह होगी कि कांग्रेस की जिद की वजह से अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो दुर्भाग्य की बात होगी। ऐसे में जब नामांकन भरने में केवल 72 घंटे का समय ही बचा है, देखना यह है कि ये दोनों गठबंधन कितनी जल्दी संकट सुलझा पाते हैं। डीडी न्यूज़।